अगर मैं आपको कोई मोबाइल दे दूं और ईयर पीस का सेक्शन या रिंगर का था उसको ट्रेस कर लोगे? अगर मैं आप लोग से पूछता हूँ अगर आपके पास कोई BSI का फॉल्ट आया तो उसको बना लोगे क्या? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज आप जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे। अलग लेवल में बैठे रहते एक महीने का, मतलब और टाइम है इतने में तो मैं मोबाइल रिपेयरिंग कंप्यूटर से सीख जाऊंगा और पूरे एरिया में मेरा ही नाम होगा। ये बात बहुत है, क्या बात है, ताली बजा रहा हूं कि आप लंदन से यहां कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहां पे कोई इतना एक महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। आज आप ही दे रहे हो आउटपुट, तो अभी अपना आउटपुट मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उनसे? कुछ नहीं है। अगर मुझे रिसीवर चेक करना है, रिंगर चेक करना है, तो मुझे सबसे पहले बताओ कि बिना चेक किए हुए मुझे क्या कंपोनेंट मिल सकते हैं? सबसे पहले क्या मिल सकते हैं? दो जीजा और तीन क्या मिलेंगे साले, जिनकी जीवन में जरूरत है भी और नहीं भी, और दो चप्पल। दो क्या देख रहे मिलेगी? दो चप्पल। सो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी मोबाइल दूं, आप उनको ट्रेस कर पाएंगे, डायग्राम खींच पाएंगे? इससे पहले कभी काम किया था? तो आपने 3-4 दिन में इतना सब कुछ किया है, आपने दिन में कितने घंटे की क्लास ले रहे हैं यहाँ पर? सर दिन में 7 घंटे की तो हो जाती है, और रात में फिर क्लास बताओ? सर रात में राजेश सर आते हैं, सर यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहले भी 2 इंस्टीट्यूट जा चुका हूँ। आप कहाँ के हैं? तो मैं लखनऊ से। लखनऊ से है, सो आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, मतलब थोड़ा सा आप वही पढ़ चुके हैं? सो आपको वहाँ पर पूरा पढ़े आप 2-3 महीना जितना भी? सर एक इंस्टीट्यूट में पूरा पढ़। कितना महीना? सर 3 महीने। 3 महीने और यहाँ के 3 दिन में कितना अंतर है बताओ? सर बहुत बहुत ज्यादा अंतर है, मुझे तो ये लग रहा है मैं वहाँ जाके उल्टा पढ़ा सकता हूँ। ये एक ताली बजा दीजिए। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 बनने वाले स्टूडेंट कौन है? 28 जून मैच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? सर ये मैंने अभी अपनी लाइफ में लगभग 10 साल तो हो चुके थे काम करते, और मेरे को ना कंपोनेंट का बेसिक नॉलेज भी नहीं था, और पैरेलल 3G और ये कंपोनेंट के बारे में मेरे को यहीं पे आके, और वो भी दो दिन में यहाँ पे आके आपको कंपोनेंट की नॉलेज हो जाती है। मेरे कहने से तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, एशिया टेलीकॉम को चुनो और कामयाब रहो। सबसे अच्छा सिखाते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पर भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पर टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। तो आपने 2 दिन पहले आया था, तो सर ने बोला था कि 2 दिन के बाद ही फीस लेते, 2 दिन डेमो क्लास देने के पहले हमको समझ गया कि ये कैसा है सर सिखाते हैं। मैं पहले से थोड़ा काम करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पूरा मतलब कम्प्लीट नॉलेज मिल गया यार। मतलब कोई भी अगर सीखना चाहता है तो एशिया टेलीकॉम में आए, और जो ये सर बोलते हैं कि हम प्रैक्टिकल करवा दिखाते हैं, ये सब प्रैक्टिकल और सब सही तरीके से नॉलेज देते हैं, ट्रेसिंग वगैरह का बहुत सी जगह पे इंटरव्यूड है, जो अपने को आधा अधूरा नॉलेज देते हैं तो उनको ट्रेसिंग वगैरह सिखाया नहीं जाता है। मैं यहाँ के अच्छा ट्रेसिंग सीख गया हूँ, और कोई भी फॉल्ट रहेगा तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कंफ्यूजन तीसरे दिन में पूरा कंपोनेंट का नॉलेज पूरा आ गया फुल, मतलब मोबाइल के मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट होते हैं पूरी नॉलेज मिल गई। फिर आगे अभी 10-12 दिन हो गए, उसमें तो पूरा हार्डवेयर का पूरा कोर्स हो गया, अभी हार्डवेयर का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो सर बना लेंगे। अच्छा, 2 दिन आपको जब तक था क्या आपसे पैसे लिए गए? नहीं सर, 2 दिन के कोई पैसे नहीं लिए, रात तक 7-8-9 बजे तक क्लास चली दोनों दिन। अच्छा, और फिर 7 बजे तक यहाँ से क्लास चलती थी, फिर रात में भी क्लास चलती थी हॉस्टल में? 12-1 बजे तक क्लास चलती थी। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे, ना कि
फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है सर। सीरियस? हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरकीब बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा, और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करने मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है, मतलब हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब ये नहीं बोलते हाँ हमें बोलना है कि नहीं ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा चुना जाए, तो मैंने फिर नेपाल यहाँ पे आया, पिछले दिन टेलीकॉम को चुना। तो आप सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा कि उसके लिए बोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और भेजो मैंने। अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, जो कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया, और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया, और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972.
Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.